हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्टन विद आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स तो बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे थे कि हमें इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है कुछ इकोनॉमिक्स के रिविजनरी वीडियोस बनाए तो बहुत सारे कमेंट्स को देख के मैंने इकोनॉमिक्स का लेक्चर लाया है वैसे तो आपको इस चैनल पे अकाउंटेंसी टैक्सेशन कॉस्टिंग इनके लेक्चर्स बहुत सारे अवेलेबल है लेकिन इकोनॉमिक्स जो टी वाई बी कॉम सेमिस्टर फाइव का है उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा रिविजन करें तो आपको कुछ रिविजनरी वीडियोस भी आपको इस चैनल पे अभी मिलने वाले हैं जैसे कि अगर हम चैप्टर नंबर वन की बात करें जिसको आज हम डिस्कस करेंगे और आप अपने प्रेशियस कमेंट्स देना आप कमेंट्स में अगर लिखोगे कि ये सेशन्स से आपको कुछ बेनिफिट मिला है ये सेशंस आपको समझ में आ रहे हैं तो फिर मुझे मोटिवेशन मिलेगा लाइक like का बटन दबाना है और हो सके तो कमेंट में भी लिखना है ताकि मुझे पता चले आपको ये सेशन समझ में आ रहे हैं कि नहीं ताकि अगले जो पॉइंट्स बनाऊंगा वो भी आपके लिए फिर प्रिपेयर कर सकूं और आपको उससे भी काफ़ी अच्छा रिवीजन हो पाए अगर हम इकोनॉमिक्स uh, की बात करें सेमेस्टर फाइव की तो ओवरऑल अगर इसकी कैलकुलेशंस uh, को देखें तो इसमें जो मॉड्यूल्स है उसमें सबसे पहला मॉड्यूल मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू है फिर सेकेंड मॉड्यूल एग्रीकल्चर है थर्ड हमारा इंडस्ट्री है सर्विस uh, सेक्टर है पोस्ट रिफॉर्म पीरियड के एंड हमारा फोर्थ मॉड्यूल है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट का तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे सबसे पहले आज का जो कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं एन 1991 तो एज यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट 1991 के पहले के पीरियड को हम प्री रिफॉर्म पीरियड कहते थे एंड 1991 के बाद के पीरियड को हम पोस्ट रिफॉर्म पीरियड कहते थे तो so एन के साथ कुछ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड पॉइंट्स भी है तो so एन में आपको ओवरऑल क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि एन का ओवरऑल बैकग्राउंड पता होना चाहिए एन का रैशनल पता होना चाहिए एन का इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो एन में आए हैं uh, मतलब एन के वजह से जो इम्पॉर्टेंट चेंजेस आए हैं वो आपको पता होने चाहिए तो अगर हम एन uh, की बात करें 1991 की तो बेसिकली 1991 का जो पीरियड था इसी ईयर में हमारे कंट्री में हमने क्या लाया था एल मॉडल लाया था विच इज़ कॉल्ड लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 ईयर के पहले जो पीरियड था उसको हम कहते थे प्री रिफॉर्म पीरियड एंड 1991 के बाद के पीरियड को वी आर कॉलिंग इट एज पोस्ट रिफॉर्म पीरियड तो पहले क्या था पहले गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस रखे थे प्राइवेट सेक्टर के फंक्शनिंग पे और अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर तभी मैक्सिमम अपने एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता था बिजनेस नहीं कर सकता था बिफोर 1991। लेकिन बहुत सारे इसमें से प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट हो गए ऑयल प्राइसेस जो थे वो बढ़े थे 1991 में जो गल्फ़ वॉर हुआ था उसके बेसिस पे ऑयल प्राइसेस भी ड्रास्टिकली बढ़े थे एंड उसके लिए हमें कुछ रिफॉर्म्स लेने थे और ये जो रिफ़ॉर्म्स लिए गए ये जो नया गवर्नमेंट आया था तभी प्राइम मिनिस्टर थे पी वी नरसिम्हा राव उन्होंने 1991 में ये ड्रास्टिक रिफॉर्म चेंजेस लाए एंड दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन तो इकोनॉमी एट दैट टाइम वाज सफरिंग फ्रॉम सीवियर क्राइसिस एंड गवर्नमेंट देन बेसिकली डिसाइडेड टू अंडरटेक सेवरल स्टेबिलाइजेशन मेशर्स जो हमारे देश को इम्प्रूव करने के लिए लिए जाए तो इसीलिए 1991 पीरियड बार बार आता है और जिसमें हमने लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट लाया था जिसमें हमने क्या किया था प्राइवेट सेक्टर्स पे जो अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे वो रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया गया इन द ईयर 1991 एंड देर वेर मेनी चेंजेस विच वेर ब्रॉड बाय द गवर्नमेंट तो लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन जिसको हम एल मॉडल भी कहते हैं तो अभी हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि ज्यादा लेंदी ना बने uh, जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए थे ड्यू टू एन ठीक है इंपॉर्टेंट चेंजेस के बारे में डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट चेंजेस ड्यू टू एन ई पी नाइनटीन नाइन्टी वन तो एन ई पी नाइनटीन नाइन्टी वन की वजह से जो चेंजेस हुए थे अगर हम सबसे पहले चेंज की बात करें तो कुछ मेशर्स लिए गए थे स्टेबिलाइज करने को इकोनॉमी को तो स्टेबिलाइज करने के लिए जो भी मैशर्स लिए थे जैसे कि फिजिकल करेक्शन तो फिजिकल करेक्शन एक इंपॉर्टेंट मेशर लिया गया था फॉर स्टेबिलाइजिंग फिर जो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज हमारा डेफिसिट में चलता है उसमें एडजस्टमेंट्स किए गए बैलेंस ऑफ पेमेंट में बी में आपको पता ही होगा कि डेफिसिट में है बैलेंस ऑफ पेमेंट और उसके कंपोनेंट्स है कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट फिर जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा था इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी ये एन ई लाया गया तो इम्पॉर्टेंट चेंजेस ड्यू टू एन ई पी नाइनटीन की वजह से क्या क्या चेंजेस हुए तो इकोनॉमी को स्टेबिलाइज करने के लिए हमने अभी डिस्कस किया कि ओवरऑल क्राइसिस में चल रहा था इकोनॉमी तो जो 1991 में ये एन ई आया उसके वजह से स्टेबिलाइज करने के लिए स्टेबिलाइजेशन मेशर्स क्या लिए गए फिजिकल करेक्शन फिजिकल डेफिसिट के लिए फिजिकल करेक्शन के लिए एन ई पी नाइनटीन नाइन्टी वन लाया फिर एडजस्टमेंट इन बी ओ पी फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए लाया गया ये एक स्टेबिलाइजेशन मेशर्स थे और दूसरे कुछ स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म्स भी लिए गए थे तो दूसरा हमारा कौन सा पार्ट है स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म्स तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी लिए गए थे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो उसमें ट्रेड पॉलिसीज के रिलेटेड मेशर्स लिए गए कैपिटल इन्फ्लोज से रिलेटेड मेशर लिए गए जैसे ट्रेड पॉलिसीज़ जो ट्रेड करते थे हम उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज थी वो चेंज कर ली और इसी से रिलेटेड दूसरा भी एक मेशर लिया गया दैट इज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफ़ॉर्म्स लाए गए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी कुछ रिफॉर्म्स लाए गए दीज आर ऑल स्ट्रक्चरल चेंजेस मतलब ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था इकोनॉमी का वो चेंज हो जाए उसमें ये सारे चेंजेस मेजर मेजर चेंजेस गए कि इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन ठीक है मतलब इंपोर्ट को हम क्या करें इंपोर्ट को हम कम से कम रखें ऐसा नहीं है कि इंपोर्ट को हम बंद कर सकते हैं वी कैन नॉट रेड्यूस द इंपोर्ट वी कैन जस्ट कंट्रोल लिटिल बिट इंपोर्ट बाय पुटिंग सम चार्जेस ऑन द इंपोर्ट जैसे कि टैरिफ रखा गया कोटा सिस्टम रखा गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे फैसिलिटीज़ दिए अगर हम अगर हम हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे और अगर हम इम्पोर्ट को कम करेंगे तो जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट होता है डेफिसिट तो वो क्या हो जाएगा वो हमारा फिर सरप्लस हो जाएगा राइट right? तो काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में क्यों जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में इसलिए जाता है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो तो है लेकिन उसके कंपैरिजन से इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है तो सिंस वी आर इंपोर्टिंग मोर दैट इज़ वाई वी आर इन डेफिसिट तो फिर गवर्नमेंट ने ये स्ट्रक्चरल चेंजेस में या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में क्या किया ट्रेड कर करने के लिए जो पॉलिसीज थी उसको चेंज किया इंपोर्ट लिबरलाइजेशन कर लिया एक्सपोर्ट प्रमोशन कर लिया जो टैरिफ रखे थे जो बहुत रेस्ट्रिक्टेड थे उस टैरिफ में टैरिफ का मतलब होता है टैक्सेस रेस्ट्रिक्शंस तो वो जो टैरिफ थे उसमें भी थोड़ा वो चेंजेस कर लिया जो हमारी एक्सचेंज रेट की पॉलिसी थी जो एक्सचेंज रेट की हमारी पॉलिसी थी उसको भी हमने जो पहले बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे थे उसको भी हमने रिड्यूस कर लिया ये सारी चीज़ों को रीड्राफ्ट करने की वजह से हुआ क्या ये सारी चीज़ों को रीड्राफ्ट करने की वजह से ये लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया उसमें हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ी द रीज़न बिकॉज अगर हमें हमारे इकोनॉमी को फॉरेन इकोनॉमी के साथ लिंक करना है लिंकिंग ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द फॉरेन इकोनॉमी अगर ऐसा हमें करना है तो हमें रेस्ट्रिक्शंस जो ऑलरेडी हमने रखे थे वो रेस्ट्रिक्शंस को कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा तो दैट इज दैट इज द मेन रीजन कि ट्रेड पॉलिसीज में चेंजेस आए Uh, फिर uh, जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो रिफॉर्म्स थे उसमें चेंजेस आए इंडस्ट्रियल का जो लाइसेंसिंग सिस्टम था वो हमने थोड़ा सा उसको डी लाइसेंसिंग पॉलिसीज के साथ यूज़ करना स्टार्ट कर दिया मतलब जो ज़्यादा रेगुलेशंस थे वो रेगुलेशंस को हमने कर कट कर दिया कम कर दिया फिर हमने क्या कर दिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जिसको हम एफ कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसको प्रमोट करने के लिए हमने ट्राई किया और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बाहर के कंट्रीज से पैसा ज़्यादा आएगा पहले ऐसे होता था कि 1991 के पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत कम था बिकॉज रेस्ट्रिक्शंस थे बहुत सारे लेकिन 1991 के बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो था वो बढ़ गया फिर जो हमारा एम एक्ट है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट जो बाद में फिर कंपटीशन एक्ट ने इसको रिप्लेस कर दिया उसमें भी फिर चेंजेस किए गए फिर डी रिजर्वेशन हुए फिर रिफॉर्म्स लाए गए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए ऐसे बहुत सारे चेंजेस हमारे नेशनल जो हमारी एन थी दैट इज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनाई गई 1991 में उसमें आए इसमें अगर एक तीसरा रिफॉर्म देखे तो तीसरा रिफॉर्म भी है इसमें जो एक फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म लाया गया पैसे के सेक्टर में जो रिफ़ॉर्म लाया गया बहुत ही सिंपल है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ ताकि ओवरऑल ये जो एन का कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो पाए तो हमने अभी दो दो रिफॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया स्टेबिलाईजेशन रिफ़ॉर्म्स या मेशर्स के बारे में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बारे में अभी जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाए गए वो भी इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे पहला हमारा है बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स तो बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत सारे चेंजेस लाए गए बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इज़ द फर्स्ट पॉइंट जैसे कि हमने जो रिज़र्व थे हमारे उसमें रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस किए इंटरेस्ट रेट्स को डीरेगुलज़ हमने कर लिया फिर नए नॉर्म्स लाए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो बना उसके अंदर फिर नए रूल्स लाए नए रेगुलेशंस लाए तो बैंकिंग सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए ड्यू टू तो दिस एन ई पी एन ई पी नाइनटीन नाइन्टी वन तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स आया फिर हमारा जो रिफॉर्म्स आया वो आया कैपिटल सेक्टर रिफॉर्म्स या कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स तो कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो इसमें फिर एन एस सी है आ, फिर एन एस सी का क्लियरिंग है फिर सेबी फॉर्म हुआ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वो आपको पता ही है नाइनटीन नाइनटी टू में फॉर्म हुआ फिर डी मटरालाइज ट्रेडिंग में हम लोग शिफ्ट हुए पहले कैसे था पहले शेयर सर्टिफिकेट लोग हाथ में रखते थे बाद में उसको फिर कंप्यूटराइज़ कर दिया डी मटरलाइज हो गया फिर डेरीवेटिव ट्रेडिंग में हम लोग आ गए डेरीवेटिव ट्रेडिंग क्या मतलब क्या है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हम लोग आ गए फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट्स जो था उसमें नए नए चेंजेस ला गए तो बेसिकली ओवरऑल अगर बात करें तो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में कैपिटल मार्केट के रिफॉर्म्स हुए बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए एंड हम तीसरे जो हमारा एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है दैट इज़ इंश्योरेंस सेक्टर में हम रिफॉर्म्स इंश्योरेंस सेक्टर के जो जो भी रिफॉर्म्स थे वो भी एन का एक पार्ट है uh, उसमें अगर बात करें तो 1999 में हमने आई फॉर्म कर लिया इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट और अथॉरिटी फिर इसमें हमने प्राइवेट प्लेयर्स को या फॉरेन प्लेयर्स को भी एंट्री दे दिया बिकॉज नाइनटीन में जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया एल मॉडल को एल मॉडल के वजह से क्या हुआ कि फॉरेनर्स भी इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर सकते थे तो ही हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट किया था फिर हायर एफडीआई बढ़ने गया जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था वो बढ़ते गया बढ़ते गया तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो दिस वाज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट चेंजेस ड्यू टू दी एन ई पी नाइनटीन नाइन्टी वन तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एन ई पी नाइनटीन नाइनटी वन में आपको सबसे पहले क्या याद रखना है स्टेबिलाइज कर दिया इकोनॉमी को उससे रिलेटेड मेशर्स हुए फिजिकल करेक्शन हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट में एडजस्टमेंट्स किए गए इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो ट्रेड पॉलिसीज़ में चेंजेस लाए गए कैपिटल इन्फ्लोज में चेंजेस लाए गए इंडस्ट्री में भी बहुत सारे सेक्टर में चेंजेस हुए लाइसेंसिंग में चेंजेस हुए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमने अलाउड कर लिया टेक्नोलॉजी फॉरन से हम लोग यूज़ कर सकते थे फिर एम एक्ट जो बनाया गया था उसमें भी चेंजेस किए गए फिर डी रिजर्वेशन कर दिया फिर रिफॉर्म्स लाए हमने नए नए रिफ़ॉर्म्स लाए पब्लिक सेक्टर यूनिट से रिलेटेड फिर हमने फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में भी डिस्कस किया है आई होप कि आपको ये एन का जो मेजर कंसेप्ट है उसका मेजर रैशनल है uh, क्या ऑब्जेक्टिव था एन ई का तो ओवरऑल अगर बात करें तो तीन टाइप के इसके मेजर कंसेप्ट है फिजिकल इम्बैलेंसेस अगर हम बात करें तो नंबर सेकंड बीओपी में जो क्राइसिस था वो नंबर सेकंड है और नंबर थर्ड जो है इन्फ्लेशन का जो प्रेशर बढ़ते जा रहा था वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये सारे जो पैरामीटर्स हमने अभी डिस्कस किए दैट इज़ विल रिलेटेड विद एन 1991 आई होप कि आपको आज के सेशन में से जो एन 1991 है वो समझ में आया होगा एक रिविजन आपका हुआ रहेगा हमने ये सीख लिया और हमने सारी चीज़ें इसमें से रिवाइज कर ली अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सेशन्स आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड मिले तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं सो so लगेगा कि आपको ये सेशंस की वजह से बेनिफिट मिल रहा है तो ऐसे वीडियोस में आपके लिए और लेके आऊंगा थैंक यू वेरी मच कमेंट जरूर करें और ऐप डाउनलोड कर ले लास्ट मिनट रिविजन भी ताकि वहां पर बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है थैंक यू वेरी मच बाय बाय टेक